चलो नेक्स्ट। ये कहता है कि रोप इज वाउंड अराउंड ए होलो सिलेंडर। समझना, अगर एक सिलेंडर है हम लोगों के पास, ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर पे मैंने ए, इसकी खुद की एक्सिस है और ये ओमेगा से इस पे रोटेट कर सकता है, और इस पे मैंने एक रसरी लगा दिया, यहाँ से स्ट्रिंग लगा दिया और वो स्ट्रिंग मैं नीचे लटका दिया, लपेट दिया, यहाँ पे रसरी लपेट दिया, ठीक है। अब व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप पुल्ड विद अ फोर्स। अगर मैं 30 न्यूटन से इसको फोर्स लगा के खींचता हूँ, ठीक है, तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना होगा, निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलो, ए सॉलिड सिलेंडर मास 3 kg, रेडियस 40 है। अब इसको मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। टॉप व्यू यहाँ से देखो, ये सिलेंडर है, यहाँ से इस पे स्ट्रिंग ऐसे लपेटा हुआ है और ये स्ट्रिंग यहाँ से 30 न्यूटन का फोर्स लगा के मैं खींच रहा हूँ इसको, ये 30 न्यूटन का मैं फोर्स लगा के खींच रहा हूँ, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है, ठीक है। अब अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, एक्सिस अंदर बाहर है, बोर्ड के एक्सिस अंदर बाहर है, तो इसको ओमेगा से घूमने के लिए, प्यारे बच्चों, इसको ओमेगा से घूमने के लिए हम लोगों को चाहिए टॉर्क। अल्फा से घूम रहा है, अल्फा चाहिए, तो टॉर्क कहाँ से आएगा यार? टॉर्क तो ये टेंशन ही देगा, टॉर्क ये टेंशन ही देगा, इसमें टेंशन टी जो भी फोर्स है, ठीक है, और 30 न्यूटन ही इसको टॉर्क देगा। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, और टॉर्क यहाँ पे टेंशन टी और मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, देख रहे हो, यहाँ से ये रेडियस, ये टेंशन स्ट्रिंग में टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा आ जाएगा वो टेंशन या फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। कौन सा सिलेंडर है? होलो है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन और रेडियस और ये एम आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन टी इज इक्वल टू एम आर, दैट इज द अल्फा। टेंशन टी एम आर वो अल्फा भैया, घूमने के लिए, इसको घूमने के लिए ऐसे घूमेगा ना यार, टॉर्क ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फोर्स कितना भाई, फोर्स आ गया आपका 30 न्यूटन, ठीक है, ऐसा 30 न्यूटन, और डिवाइड कर दें, मास कितना है 3 kg, रेडियस कितना है, रेडियस है 40, तो 40 सेंटीमीटर है, तो 10 की 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 110 40 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 की पावर -2 ऊपर चला गया, 100 हो गया, और नीचे 10 से 10 ये ख़त्म हो गया, और ये 3 ने 3 को ख़त्म कर दिया, 100/25, तो ये आ जाएगा 25। द फाइनल सोल्यूशन इज 25 रेडियन पर सेकेंड, 25 रेडियन पर सेकेंड। देखो यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये भी लगा देंगे, ये भी लगा देंगे, ये गलत है यार, मीटर पर सेकेंड है, रेडियन पर सेकेंड होगा, बी ऑप्शन सही है।